युवा मोर्चा भाजपा इस प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है। युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है, प्रदेश के हर कैंडिडेट को जिताने का जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा मोर्चा युवा मोर्चा के नेतृत्व में हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यहाँ पर मौजूद हैं और करीब करीब साल भर पहले जो चुनाव का आगाज भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसका नेतृत्व उन्होंने किया था और प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला था। और अब पार्टी ने अपने लगभग सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और एक बार फिर से जो भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचन कहलाए जाते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, उनको सक्रिय करने, उनको एक्टिव करने तेजस्वी सूर्या यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी जो 85 टिकट बची छत्तीसगढ़ में, क्या आपको लगता है भारतीय जनता युवा मोर्चा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है? देखिए, जब हम चुनाव के टिकट घोषणा होने के बाद मैदान पे उतरते हैं तब युवा मोर्चा भाजपा इस प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है। सब प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के और युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता का जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ताओं को जिताने का होता है। हम कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है, प्रदेश के हर कैंडिडेट को जिताने का जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, नहीं दिया। रोजगार देने का वादा था, नहीं किया। नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत आप लोग करते रहते हैं। पीएससी की परीक्षा हुई, उसमें भी गड़बड़ी की शिकायत होती है। जितना प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए था, क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ मुद्दे को उठाया और अब इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा चुनाव में किस तरह से जाएगी? प्रदेश में CGPSC घोटाले को लेकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा मोर्चा युवा मोर्चा के नेतृत्व में हुआ और खुद मैं दो बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव के कार्यक्रम में, बड़े बड़े कार्यक्रम में मैं खुद में आया था। आज भी प्रदेश हाईकोर्ट में युवाओं को एक न्याय मिलने का काम हुआ है तो उसमें युवा मोर्चा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूँ कि ये जो जीत है ये प्रदेश के आम युवा का जीत है जो कोर्ट में फैसला आया है। और देश में या प्रदेश में जब भी कुशासन चलता है, वो कुशासन का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो युवाओं को झेलना पड़ता है। और प्रदेश में भूपेश जी के जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है ये मॉडल ऑफ करप्शन में परिवर्तन हो चुका है। यहाँ सुशासन नहीं है, सिर्फ कुशासन है, माफिया चल रहा है। यहाँ रेत हो, रिक्रूटमेंट हो, यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स हो, माइनिंग सेक्टर में हो, आप जहाँ देखते हैं वहाँ करप्शन है। और पूरे देश के कांग्रेस पार्टी का फंडिंग एजेंसी ATM छत्तीसगढ़ बन चुका है। और इन सभी से जो नुकसान है वो प्रदेश के युवा झेल रहे हैं और युवा अत्यंत आक्रोशित है और वो इंतज़ार कर रहे हैं परिवर्तन करने के लिए। और मैं मानता हूँ विश्वास के साथ जब चुनाव आएंगे युवाओं के मत के आधार पर, उनके आक्रोश के आधार पर ये परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छी सरकार, युवाओं को भले करने वाली सरकार सुनिश्चित रूप में प्रदेश में आएगी। एक ये जानकारी चाहिए कि ये जिस तरह से प्रदेश अभी चुनाव होने वाले उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा का क्या रोल रहेगा, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा जाएगी, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपकी। देखिए, जब भी देश में भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, सिर्फ छत्तीसगढ़ का भी मैं नहीं बता रहा हूँ, पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, जहाँ युवाओं को भला करने का काम प्राथमिकता के साथ हम करते हैं, देश में मोदी जी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन तक, हर क्षेत्र में तेज़ गति से विकास हो रहा है। वो उस विकास का जो मेन बेनिफिशियरी से लाभार्थी है, फलानुभवी है, वो देश के युवा है। प्रदेश में भी जब रमन जी की सरकार थे, पूरे देश में PDS सिस्टम में नंबर वन छत्तीसगढ़ माना जाता था। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में नंबर वन के रूप में छत्तीसगढ़ उभर कर आ रहा था। छत्तीसगढ़ वॉज नोन फॉर गुड गवर्नेंस रमन जी के संदर्भ में। हम नए नए यूनिवर्सिटीज़ खुले थे, यही रायपुर में हम रीडिंग ये सब किए थे। मेरा सवाल ये था कि आप भारतीय जनता युवा मोर्चा क्या किन मुद्दों को लेकर जाएगी, इसी भूमिका रहेगी, इसी मुद्दे को,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मीन्स एस्पिरेशन, भारतीय जनता पार्टी मीन्स गुड गवर्नेंस, भारतीय जनता पार्टी मीन्स गुड एस्पिरेशनल यूथ। इसको स्थापित करने ही भारतीय जनता पार्टी का प्रॉमिस है। हम बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक इसी आशादायक मुद्दों को युवाओं के बीच में हम लेकर जाएंगे। एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को प्रदेश में हम जारी करेंगे। देश के और प्रदेश के जो मिनरल वेल्थ है, इसमें बहुत बड़ा श्रेय युवा अधिकारियों को जाना चाहिए, युवाओं को जाना चाहिए, अधिकार युवाओं को होनी है, इसमें भी बहुत बड़ा हम काम करेंगे। एक तेज़ गति का विकास प्रदेश में हो जाए तो उसका बेनिफिट भी प्रदेश के युवाओं को होगा। इसी मुद्दे को लेकर हम आगे लेकर जाएंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या लगता है, प्रदेश की कमान, प्रदेश का सीएम का चेहरा कोई युवा हो तो ज़्यादा प्रभावित होंगे युवा? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अगले एक दो महीने के अंदर अंदर छत्तीसगढ़ में बनना सुनिश्चित है, और जब शपथ ग्रहण होगा तब युवा मोर्चा के हजारों लाखों कार्यकर्ता उस शपथ ग्रहण में हम भाग लेंगे और युवाओं के भलाई के लिए हम सब लोग काम करेंगे। युवा चेहरा होना चाहिए, क्या लगता है? सब चेहरा भारतीय जनता पार्टी का युवा है, स्पिरिट में हो या एज में हो। ये थे तेजस्वी सूर्या, और इनका कहना है कि हम सुशासन लाएंगे, और प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है वो कुशासन लाई थी, भ्रष्टाचार कर रही थी, घोटाले कर रही थी, और भारतीय जनता युवा मोर्चा चुनावी जो मैदान में जो आने वाले जो चुनाव हो रहे उस पर विकास को लेकर जाएगी, सुशासन को लेकर जाएगी, और बिना भ्रष्टाचार वाली सरकार को लेकर जाएगी, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सीएम युवा चेहरा होना चाहिए। उसको टालते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर चेहरा जो है जो मुख्यमंत्री बनेगा वो युवा चेहरा होगा, और युवाओं के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ राजेश मिश्रा, आईबीसी 24 रायपुर।